जैसा कि हम बता रहे थे कि आपको हम लास्ट अभी बताए थे कि हम आपको एक जो टेस्ट सीरीज में ऑब्जर्व किया कि कई बच्चे जो है ऑर्गेनिक में यही आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि वहां पे कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक, तो आपको हम कुछ फ्लो चार्ट दे देते हैं, आपको हम फ्लो चार्ट दे देते हैं, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। ठीक, नाउ ये देखिए आपका जो पहला है, अगर आपका सबस्ट्रेट जो है, इफ सबस्ट्रेट इज एल्काइल हैलाइड, इफ सबस्ट्रेट इज एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल एल्कोहल है और ईथर है, एमाइन है, ये सारे सबस्ट्रेट अगर हैं, देन आइदर एसएन रिएक्शन विल टेक प्लेस और एलिमिनेशन टेक प्लेस, आइदर एसएन होगा या एलिमिनेशन होगा। ठीक, बेस और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, मैंने चार पॉइंट लिखवाया है, उस पे आप ध्यान दीजिएगा, वो आपको यहाँ पे गाइड करेगा कि क्या क्या हो सकता है। ठीक, अगर एल्कोहल है, एमाइन है, ईथर है, तो सियोरली एसएन वन होगा, सियोरली एसएन वन होगा या इवन एलिमिनेशन होगा। ठीक, इफ सबस्ट्रेट इज एल्काइल हैलाइड, देन अगर प्राइमरी है तो SN2 होगा, टर्शियरी है तो SN1 होगा, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो SN1 होगा, पोलर एप्रोटिक है या नॉन पोलर है तो SN2 होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है SN1 SN2 होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है SN2 होगा। लेकिन होगा इन सबस्ट्रेट अगर है ये सबस्ट्रेट, तो आपको ध्यान केवल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का ही रखना और कोई दूसरा ध्यान नहीं रखना। टोसाइलेट हो गया, ब्रोसाइलेट हो गया, नोसाइलेट हो गया, इन सभी में इसी के क्लास में। ठीक, अब आप देखिए कि फ्लोराइड है तो सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं हो सकता, फ्लोराइड में सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं हो सकता, एलिमिनेशन ही होगा, वो भी इवन सी भी होगा, वो भी इवन सी भी होगा। ठीक, बात क्लियर यहां पे। नाउ अब देखिए सेकेंड पॉइंट, अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और बीटा, अगर बीटा ये गामा डेल्टा पोजीशन पे अगर वो है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हेलाइड है, हेलोजन है, ओएसी है, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट जो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, एनजीपी होगा, आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि एनजीपी होगा, होगा कि नहीं। अगर वन टू पे है साइक्लिक में तो डाइएक्सियल होना चाहिए, एक तब एनजीपी होगा एंटीमेरिक असिस्टेंस के साथ, अगर एक्सियल इक्वेटोरियल है तो जो भी होगा वो तो हमारा क्या होगा, केवल एनजीपी होगा, एंटीमेरिक असिस्टेंस नहीं होगा। एक अगर एलिमिनेशन है, अगर एलिमिनेशन है, अगर एलिमिनेशन है, अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो अगर E2 है तो स्टीरियो सेलेक्टिव होगा, अगर EI है तो स्टीरियो सेलेक्टिव होगा, E2 में एंटी बनेगा, मतलब मीशो जो है वो हमारा ट्रांस देगा, एक मोस्ट स्टेबल एंटी कॉन्फॉर्मेशन से रिएक्शन होगा, अगर हमारा जो है EI है तो मोस्ट स्टेबल इक्लिप्स फॉर्म से होगा, सिन एलिमिनेशन देगा,
अगर इवन सी भी हो रहा है तो हफमैन एलिमिनेशन होगा, ठीक। अगर एनआर थ्री एस आर टू है तो हमारा क्या होगा, हफमैन एलिमिनेशन होगा। तो इन सभी चीजों को आपको देखना है, ठीक, बात क्लियर। ये फर्स्ट ग्रुप है। अब देखिए सेकंड ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो है एल्कीन एल्काइन, एल्कीन एल्काइन। इनमें भाई साहब एडिशन ही हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे ही आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक। और एडिशन रिएक्शन अगर होगा तो एंटी हो सकता है, सिन हो सकता है, ठीक। एंटी एडिशन जो भी होगा वो हैलाइड से होगा, हैलाइड वाले सब्सट्रेट से होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से होगा। और सिन जो होगा वो ऑक्सीजन वाले से होगा, जैसे OSO4 हो गया, MCPBA हो गया, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनसे होगा। इसमें भी एनजीपी हो सकता है, इसमें भी एनजीपी हो सकता है अगर स्टेप वाइज हो रहा है, जैसे वुडवर्ड हाइड्रोक्सीलेशन, प्रेभोस्ट हाइड्रोक्सीलेशन, इन दोनों में एनजीपी हो रहा है कि नहीं। तो ये सभी पे ध्यान देना है आपको। अगर एल्कीन है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, अगर एल्कीन है एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उसमें एक और कोई रिएजेंट नहीं है, केवल हीट और HNU है, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा। उसमें अगर दो सबस्ट्रेट हैं तो साइक्लोएडिशन हो सकता है। अगर एक ही सबस्ट्रेट है तो आप चेक करिए, या तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक होगा या तो सिग्मा ट्रॉपिक होगा, ठीक। एल्कीन सबस्ट्रेट में मोर देन वन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक। तो एल्कीन की कहानी यहां पे हुआ। अगर HNU है तो क्या होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा एल्कीन में। कौन सा हो सकता है, पेटर्नोबुची हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो आप इन पे फोकस करिए, ठीक। थर्ड ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल सबस्ट्रेट बहुत लंबा सबस्ट्रेट है। कार्बोनाइल सबस्ट्रेट में क्या आपका ध्यान जाना चाहिए, नेम्ड रिएक्शन पे ध्यान जाना चाहिए, नेम्ड रिएक्शन पे ध्यान जाना चाहिए जो एक से लेके आठ तक है, नेम्ड रिएक्शन पे आपको ध्यान जाना चाहिए। नेम्ड रिएक्शन पे ध्यान जैसे ही आपका जाएगा, ठीक, एक से आठ तक प्लस फिशर इंडोल है कि नहीं, प्लस बिकलर नेपेरियल एस्की, इन पे भी ध्यान जाना चाहिए। स्क्रब सिंथेसिस, इस पे भी ध्यान जाना चाहिए। नेम्ड रिएक्शन पे आपका ध्यान जाना चाहिए, ठीक। प्लस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे ध्यान जाना चाहिए आपका, एसिटल फॉर्मेशन, ठीक। अगर एल्कोहल है तो एसिटल फॉर्मेशन होगा, बाकी जो 12th वाले हैं वो तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक, बात क्लियर यहां तक। अगर लिग्नार्ड रिएजेंट है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारे चीज कार्बोनाइल कंपाउंड में मोस्टली आपका ध्यान नेम्ड रिएक्शन की ओर जाना चाहिए। और अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में ही, अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में ही सिर्फ और सिर्फ HNU है तो Norris 1 Norris 2 पेटर्नोबुची, इस पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि नहीं, ठीक। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है तो माइकल एडिशन पे ध्यान जाना चाहिए, ठीक। इसमें ये याद रखना चाहिए कि एल्काइल लिथियम हमेशा 1-2 करेगा, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट हमेशा 1-4 करेगा, ठीक। माइकल एडिशन ग्रिगनार्ड दोनों कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टेडी कंट्रोल, ठीक। फिर आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, अगर कॉन्जुगेटेड है, केवल HNU है तो डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट पे ध्यान जाना चाहिए कि नहीं, बताइए।
वहां पे ध्यान जाना चाहिए आपका, आपको फिर का फिर आपका कार्बोन आइल में जो है, फिर अगर कार्बोन आइल अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है, न्यूक्लियोफाइल बहुत बल्की है, जैसे जनरली जो होता है बल्की न्यूक्लियोफाइल, डाइथाइल मेलोनेट ईएए है कि नहीं, अल्फा साइनो ईए, आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, माइकल एडिसन, ये हमेशा माइकल एडिसन करेंगे, हमेशा माइकल एडिसन करेंगे। अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है तो, अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड नहीं है तो नोएवेंजल करेगा या स्टॉप कंडेंसेशन करेगा। ठीक, तो बाकी नेम्ड रिएक्शन से रिलेटेड इनका बहुत ज्यादा रोल है। तो कार्बोनाइल में जो आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कि बहुत ज्यादा आने की चांसेज नहीं है, नेम्ड रिएक्शन वाले, माइकल एडिशन वाले, उधर अगर फोटोकेमिकल कंडीशन है तो नॉर्थ ईस्ट वन नॉर्थ ईस्ट टू, अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड भी है तो आपको ध्यान जाना चाहिए कहाँ पे, आपका ध्यान जाना चाहिए इस पे, डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट पे। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तीन ग्रुप हैं आपके रिएजेंट का। ठीक, बात क्लियर। तो ये तीन पार्ट में हम सबस्ट्रेट को डिवाइड कर दिए हैं। ठीक, प्लस रीअरेंजमेंट आपको याद ही रहेगा। ठीक, एरोमेटिक सबस्ट्रेट, डीप एरोमेटिक सबस्ट्रेट, एरोमेटिक सबस्ट्रेट में तीन ही चीज हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल है और एराइल हैलाइड है तो। ठीक, अगर एराइल हैलाइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक Na2K, ठीक, NaNH2 है लिक्विड अमोनिया में, तो क्या होगा, तब हमारा होगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक, बात क्लियर। तो ये आपका है एरोमेटिक के लिए। अब देखिए कन्वर्जन, कन्वर्जन जब भी आए, कन्वर्जन जब भी आए, क्या कह रहे हैं, वेन एवर देयर इज कन्वर्जन, रिमेंबर योर नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन में क्या क्या एग्जांपल्स थे, रिमेंबर योर रिएजेंट, रिमेंबर योर रिएजेंट, इन्हीं से रिलेटेड हो सकता है, रैंडम नहीं होगा। अगर एरोमेटिक में कन्वर्जन है तो रिमर्टी मैंने याद करिए, ठीक, अगर रैंडम है, और अगर एरोमेटिक में है तो रिमर्टी मैंने याद करिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा वो। डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन याद करिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा और 100% हो ही जाएगा। ठीक, बात क्लियर। तो ये आपका है, बट कन्वर्जन में सबसे पहले आप याद करिए नेम्ड रिएक्शन, जो हमारे सिलेबस में, इधर उधर मत भागिए, जो हमारे सिलेबस में रिएजेंट, नेम्ड रिएक्शन और रीअरेंजमेंट है, उनको याद करिए। ठीक, बात क्लियर। स्पेक्ट्रो में एग्जैक्ट डाटा देने का आप सोचिए मत, ठीक, अनलेस अनटिल पूछा ना गया हो तो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बता सकते हैं, ठीक, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू बता सकते हैं, अगर एग्जैक्ट डाटा आपको याद नहीं है तो गलत मत दीजिए। ठीक, स्पेक्ट्रो में जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए लंबे वाले, तो जैसा हम आपको बताए थे स्टेपिंग वाइज, जो आप टेस्ट सीरीज में भी किए हैं, अच्छे से आप किए हैं, फॉलो किए हैं उसको, कि पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना, फिर एनएमआर डाटा पढ़ना, फिर आईआर डाटा पढ़ना, फिर यूवी डाटा पढ़ना, फिर अगर मास फ्रेगमेंटेशन करने को कहा गया है तो वो कर, तो आप स्पेक्ट्रो में इसी को फॉलो करिए। पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री में आपको हम बता ही दिए हैं, या तो एल्कीन सबस्ट्रेट हो सकता है, या तो कार्बोनाइल हो सकता है। ठीक,
अगर एल्कीन है तो साइक्लोएडिशन इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो सकता है, ठीक। अगर आपका जो है एल्कीन कॉन्जुगेटेड एल्कीन के साथ डाइन भी बना है और डायनोसाइल भी है तो साइक्लोएडिशन ही होगा, ठीक। इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिग्मा ट्रॉपिक सिंगल रिएक्टेंट से होता है, वो सिंगल रिएक्टेंट अगर होगा तो इन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है आप याद रखिए, आप स्ट्रेच मत करिए, आप जितना लिमिट है अपना उसी में काम करिए। आप ज्यादा ये करके नहीं कि अब ये भी बन जाएगा एक्सेस होगा तो, आप सोचने वाले नहीं नहीं है कि एक्सेस होगा तो, अगर एक्सेस होता तो हम देते ना, हम देते। एस्टर हाइड्रोलाइज हमेशा होता है, एस्टर तभी हाइड्रोलाइज होता है जब हम उसको एसिडिक मीडियम में वार्म करते हैं। अगर हम हीट नहीं करेंगे तो एस्टर को हाइड्रोलाइज करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, आप फालतू का काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें एक बार आप वीडियो को ढंग से सुन लीजिए और इसको एक बार फॉलो करिए, ऐसे तो आपका अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, ठीक। बात क्लियर? तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए और विक्ट्री सिंबल लेके आइए, ये वाला।